अब हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से इसको कंटिन्यू करते हैं। हम ओपन कर रहे हैं किसके अराउंड, A13 के अराउंड। ओके, ये A13 के अराउंड, तो हमको सीधे से पता है कि हमको ये ओपन करना है, ठीक है, बस। तो ओपन कर देंगे A21, A32 माइनस A22, A31, ठीक है। तो ये थ्री ऑर्डर की हम मैट्रिक्स को ओपन करने का बहुत ही प्यारा सा तरीका, एकदम डिटेल में, कि ये माइनस क्यों आता है, माइनस वन की पावर में क्या रहेगा, कैसे ओपन करना है, कौन सी मैट्रिक्स को लेना है, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो ये आपको समझ में आया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 का। हमको पता है हम 1 के अराउंड ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 3 × 5 = 15 माइनस 1 × 0 = 0। सेकेंड टर्म माइनस होता है वो हमको पता है। अब हम 2 के अराउंड ओपन करेंगे तो हमारा -1 = 4, ठीक है, तो -2, -1 × -5 तो -5, और 4 × 0 = 0। अब हम 3 के अराउंड ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ये 3 के राउंड किया तो -1 × -1 − 12, तो ये हमारा हो गया 15, 10, और -13 × 3 − 39, 25 − 39, ये हमारा आ गया -14, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालें या इंडिविजुअली ए और बी का डिटरमिनेंट निकालें ना, वो इक्वल होगा। आप ए की पावर एम का डिटरमिनेंट निकालें या फिर आप ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसमें कर दें, ये फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं कि अगर हम ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालते हैं या ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वो एक ही बात है। आप स्क्वायर की जगह क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी, ये वाली बात, ठीक है, सेम रहेगा। अगर ए इनवर्स आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसको आप इसके इक्वल, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट रेसिप्रोकल, ठीक है, वो ए इनवर्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो पहले आप ए इनवर्स निकालो, उसका डिटरमिनेंट ले लो, या आप सीधे डिटरमिनेंट लेके उसको 1/a कर दो, ठीक है, तो ये सब कुछ इक्वल होगा। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, तो सिंपल सा है प्रॉपर्टी। कोई मैट्रिक्स अगर 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6 है, ठीक है, अगर उसकी एक भी रो, ठीक है, क्या याद रखेंगे, 0 के इक्वल हो गई, ठीक, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है, कोई भी रो कोई भी कॉलम, इफ इक्वल टू 0 है, ठीक है, पूरा का पूरा 0 है, तो ये पहली प्रॉपर्टी। अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और ए का भी डिटरमिनेंट, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये बहुत ही सही प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, अगर किसी भी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी दो रो सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है, हमने क्या देखा, सिमेट्रिक्स की दो रो सेम हो गई, ठीक है, सेम है, और इवन प्रोपोर्शन में है, ठीक है, इसको, इससे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये यही तो हो गई ना, हाँ, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें बाहर,
ओके, टू कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वही बन गया। ठीक है, तो सेम हो या सेम प्रोपोर्शन में हो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, हाँ बात अगर रो की होगी तो उसको रो से कंपेयर करेंगे, कॉलम की होगी तो कॉलम से कंपेयर करेंगे, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सपोज ए है, वो 77 है। अगर हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये 1 2 3, ये 7 8 0, ये 4 5 6, तो यहाँ हमारा -1 × 27 ओके ऐड हो गया। तो ये बात है कि अगर हम इसमें हमने क्या किया, आर टू इंटरचेंज आर थ्री अप्लाई किया था, ठीक है अप्लाई, तो ये ऐसा हो गया है, इनिशियली ये ऐसा था तो हमारा -1। तो आप जितनी बार इंटरचेंज करेंगे इसकी पावर अभी 1 है, दो बार इंटरचेंज करेंगे तो बात फिर 1+1 मतलब -1 का स्क्वायर या फिर 1, तो एज इट इज रहेगा। तो आप ये भी समराइज कर सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स में अगर आप इंटरचेंज करेंगे इवन नंबर्स ऑफ बार तो आपका कुछ नहीं होगा, 1 होगा। अगर ऑड टाइम्स आपने इंटरचेंज किया, एक बार इंटरचेंज किया, दो तीन बार इंटरचेंज परफॉर्म किया, 5 बार, तो आपका -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 27। ओके, एक और अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि अगर आप R1 में R1 प्लस एनी इंटीजर k टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स के एक वैल्यू हो गए, ठीक है, हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वन प्लस फोर के, टू प्लस फाइव के एंड 3+6K, बाकी तो वही है 4 5 6। तो इस कंडीशन में हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके इक्वल रहेगा। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं k टाइम्स किसी भी रो को मल्टीप्लाई किया, किसी भी रो में k को मल्टीप्लाई किया और उसको एड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 4 और 5 जो भी प्रॉपर्टी होगी देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई फिफ्थ, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी है a+λ1, ठीक है, b+λ2, c+, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो दो टर्म्स में ब्रेक हो सकता है, अब λ1 λ2 λ3 कुछ भी हो सकते हैं, और उसको हमको ऐसी मैट्रिक्स में चेंज करना है सिंपल, a b c d e f g h i, मतलब हमको कोई क्वेश्चन को क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करना है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक को ग्रीन एक को रेड से दिखाया कि आप यहाँ पे जो टर्म्स बचे हैं उनको लिख दें। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि ये पूरी इधर वाली तो यूज हो गई, लैम्डा इधर चला गया, तो बाकी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ यहाँ पे भी आप डी एफ और जी एच आई को लिख सकते हैं, अगर आप दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा सेम रहेगा। अब बात ये हम मैट्रिक्स की नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना, ये बात हम मैट्रिक्स की नहीं कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ लेते हैं बात को, मैट्रिक्स की नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की। कैसे, अगर आप ये दोनों मैट्रिक्स होती हैं आप इसको प्लस करें तो a+λ1, लेकिन d+3 तो 2d हो गया ना, तो हम बात मैट्रिक्स की नहीं कर रहे हैं याद रखना, हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका निकालिए, दोनों को ऐड करिए, और चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है, तो वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसके प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में हमको कहीं बेनिफिशियल भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट के। अब ये होगा कैसे, अगर अपर ट्रायंगल है तो आपका ये तो जीरो हो गया, तो आपकी एक रो ऐसी आ गई जो कि नॉन, मतलब एक रो में सिर्फ सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो आप इसके अराउंड ओपन करिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसके अराउंड ओपन करिए, तो आपका ये ओपन इतने में होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा इसको समझिए, आपका ओपन ये इतने में होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 है तो क्या है कि 1 × 2 और ये तो 0 है, तो आपका सिर्फ जो फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा तो 3 × 2 × 1 ही आएगा। यही चीज़ लोअर पे अप्लाई होती है, यही चीज़ डायगोनल पे, डायगोनल तो
डायगनल के अलावा कुछ प्रेजेंट ही नहीं, सब कुछ जीरो है, तो आपका डायगनली मल्टीप्लाई होगा। स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स पे यही चीज अप्लाई होती है। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता था आपका, 1 1 1 0 0 0 0 0, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था कि सेम, मतलब यूनिट मैट्रिक्स स्केलर का ही सबसेट है। अब यहां पे क्या है कि बाकी तो जीरो होगा, ये तो ठीक है, डायगनल के अलावा सब कुछ जीरो होगा, लेकिन डायगनल कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और वन के अलावा कुछ भी। अगर वन होगा तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे, कुछ और होगा तो हमारा सिंपल स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर आपकी बात ऑर्थोगोनल है, यूनिटी मैट्रिक्स की करी जाए, उसमें क्या डिफरेंस था कि ए ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है ऑर्थोगोनल में, यहाँ पे ए इंटू ए कॉन्जुगेट, इसको क्या बोलते हैं, ए कॉन्जुगेट आई के इक्वल है। तो दोनों केसेस में जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो आपका प्लस माइनस वन होगा, ठीक है, जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस वन होगा, तो ऑर्थोगोनल के केस में भी, यूनिटी के केस में भी। एक प्रॉपर्टी इसी से निकल के आती है कि अगर आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं या ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका दोनों इक्वल होगा, आप उसको इक्वल मान सकते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स किस कलर से लिखे हैं, चलो ग्रीन से लिखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज अ रियल नंबर होता है, ओके, ऑलवेज अ रियल नंबर। तो हमने ऑर्थोगोनल देखा, यूनिटरी देखा, जिनका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन के इक्वल होगा, ये फिक्स है हमेशा। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या फिर ए कॉन्जुगेट का, वो भी हमारा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू ही एक दूसरे के इक्वल प्लस माइनस वन सेम आई है इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल पे जाता है और ये कॉन्सेप्ट यूनिटरी पे जाता है, और आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज अ रियल नंबर होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की, अगर ए हमारी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, तो उसका डिटर्मिनेंट या तो जीरो होगा या तो वन होगा, कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स है, लेकिन इन्हीं दो वैल्यूज में से होगा। आई एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा वन होगा, वो दिखता भी है कि डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगनल खुद में वन है, तो वो किसी भी ऑर्डर का हो, वो ये 2+2 है वो वन ही आना है। एक बहुत ही अच्छी अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये है, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर की, अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑड है, 3x3 है, 1x1 की तो बात ही खत्म, 5x5 है, तो वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है, ये हमको शॉर्ट में याद रखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है पूरा, उसकी प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हम माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बाद में, जब आप एडजॉइंट निकालते हैं या आप इनवर्स निकालते हैं उस टाइम पे काफी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, माइनर कोफैक्टर के बारे में, तो हम इनके बारे में अब बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले माइनर की और कोफैक्टर और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, हम ओपन कर रहे हैं किसके अराउंड, अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, हम सबसे पहले माइनर का ओपन कर रहे हैं 1 इसके अराउंड, ठीक है, और मेनली बात क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल ही ले लिया, ठीक है, A11, A12 में काफ़ी कन्फ्यूजन और लेंथी पड़ जाता है, पर ये असल में है क्या क्या, A11 ही है। अगर हम A11 के अराउंड ओपन करें तो उसको हम बोलेंगे M11 माइनर, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल वो क्या होता है, -5, 6, 8 और -9, जो ये जो ठीक है, ये जो ये बचा है, तो यही हमारा M11 माइनर होगा। तो जो हमने डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट में देखा था 3x3 के, ठीक है, तो वही चीज सेम यहाँ पे है कि ये हमारा माइनर यही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 45 -48 -3। अगर आप कहते हैं कि कोई भी माइनर सॉल्व करिए, ठीक है, 8 के अराउंड सॉल्व करते हैं, 8 क्या है हमारा, A32, तो माइनर होगा M32, ठीक है, ये हमारा 8 है, इसके अराउंड सॉल्व करते हैं,
ठीक है, तो आपका क्या होगा, ठीक है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ के हमारे पास क्या बचा है, इस कॉलम इस रो को छोड़ के हमारे पास बचा है 1 4 3 6, तो 6 माइनस 12, तो -6। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है माइनर का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़े अच्छे से समझाए इसको ये कर करके। अब अगर हम बात करें कि हमारा कोफैक्टर क्या है, अगर हमको कोफैक्टर निकालना है इसी का C11, तो उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल ये होता है कि इनटू -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर में वही जो डिटरमिनेंट की कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर 1 1 का है तो 1 प्लस 1, ये 3 2 का है तो 3। ठीक है, तो सिंपल से ये चीज। अब ये हमारा ऑड पावर है, बस ऑड इवन देखना, ये हमारा इवन है तो ये हमारा एज इट इज रहेगा -3, ये हमारा C11, हम सी सॉरी हम बात करेंगे C32 की, तो ये ऑड पावर है तो हमारा ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर्स में केवल इतना सा डिफरेंस है, माइनर सिर्फ हम ओपन कर देंगे उस एलिमेंट के अराउंड, तो हमने M11 के अराउंड ओपन किया तो हमारा ये आया। ठीक है, मैंने हाईलाइट करके समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। एम मान लो M13 के अराउंड ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो माइनर होगा इसके अराउंड, तो वो क्या होगा 4 5 4 -5 7 8। ठीक है, सिंपल सा, तो ये तो माइनर है, वहां पे साइन का कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, जहां पे आप साइन को इंक्लूड करेंगे वहां पे कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर आ गया, आपको करना कैसे है, -1 की पावर में आप जिस जिस चीज का भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं, C11 तो 1 प्लस 1, M32 या C32 तो आप 3 प्लस 2 करेंगे। ठीक है, वो इवन होगा तो सेम रहेगा, ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं शुरू से। आपने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ए, यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से देखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में, ओके, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी रो या कॉलम का ठीक है, किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ निकाला है इनका कोफैक्टर निकालें। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, आप देख सकते हैं ये असल में -1 है और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप कोफैक्टर्स निकालिए और उसको किसी भी रो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मतलब ये क्या कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, ये चीज़। मैंने क्या किया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो 6 आया कोफैक्टर, और -3 को 3 से, तो ये आपका क्या आया, -3 प्लस 12 -9, तो ये आपका 0 आएगा। ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर्स निकालिए और उन फैक्टर को किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, अंडा। ठीक है, आपका आंसर आएगा 0। अब बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ओके। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट सबको पता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है, तो ये सभी और एवरेज लोगों के लिए है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है बी का ट्रांसपोज। अब बी क्या है, ठीक है, ट्रांसपोज तो पता है, हम कोई भी मैट्रिक्स बी होगी हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट कहाँ यूज होता है, टू फाइंड इनवर्स, ठीक है, इनवर्स को निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने के लिए एडजॉइंट यूज होता है। बी हमारा जो है वो है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे काम करता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं, मतलब हर इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर, यहां पे क्या कर सकते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31,
C32 और C33। अब बात ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, फिर माइनस प्लस कहाँ रहेगा, तो उसको बड़े प्यार से आराम से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स हुआ करती थी ए, आपको इस ए का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, इस ए का एडजॉइंट निकालना है, वो आपका बी का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आप कर लेंगे, इसी को आप ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज आप करके देख लेंगे। हमको बी निकालना है, तो हमारा बी कैसे निकलेगा, ये बी है, तो बी निकालने के लिए हर इंडिविजुअल एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, कोफैक्टर चलो ठीक है निकालते हैं, लेकिन हम माइनस प्लस कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सा है, आप इन पावर को ऐड कर लो, 1+1 इवन, कोई चेंज नहीं, 1+3 माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये तो पहले से पता तो लगा दिया, तो ये आपका कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्यों, पता है 1+2 3 ऑड, तो माइनस लग जाएगा, 1+3 4 इवन, माइनस नहीं लगेगा, 2+1 3 ऑड, माइनस लग जाएगा, 2+2 इवन। ठीक है, कोई वो नहीं लगेगा, तो पहली बात तो डायगनल में तो कभी नहीं लगता है, क्यों, डायगनल क्या होता है, ए आई जे में आई इक्वल टू जे होता है। ठीक है, अगर डायगनल के लिए बोले तो आई इक्वल टू जे होगा। अब आप कोई भी डायगनल का कुछ भी हो, A44 ऑड भी हो, A33 ऑड A4, लेकिन जब ऑड को आप 2 टाइम्स करेंगे तो वो इवन हमेशा ही बन जाता है, तो सीधा सा है, डायगनल में तो कभी आपका लगेगा ही नहीं। ठीक है, माइनस, अब बचे अदर डायगनल, तो अदर डायगनल में भी नहीं लगता है, उनके अलावा जो बचे वो आपके माइनस लग गए। ठीक है, ये बड़े आराम से समझाएगी माइनस कहाँ लगता है, कोफैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, हाँ, अब बकायदा हम कोफैक्टर निकालते भी हैं। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, पहला मैं आपको एक दिखा देता हूँ, 45 - 48 - 3। 2 का कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस पहले से लगा देते हैं। ठीक है, इसका निकालना है, इस रो और इस कॉलम के अलावा आपके पास ये है, तो आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 4 36 - 42, तो -6, -6 + 6। ठीक है, आप इसका निकालेंगे तो ये 8 6 32 - 35, तो -3। आप इसका निकालेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, ये रो ये कॉलम, ये आपका हम किसका निकाल रहे हैं, 4 का निकाल रहे हैं, तो ये आपका वो हो गया, तो आपका क्या बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हम 4 का निकाल रहे हैं, तो हमारा ये बचा, तो 9 2 18 - 8 3 24, तो -6, तो -6 + 6। ठीक है, ऐसे ही आप सबका सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, मैट्रिक्स को लिखो आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखो आप, यहाँ पे माइनस लगा दो पहले से ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक है, और उसके बाद आपको फिर इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है। आप बाई माइंड में बोल के कर सकते हैं, यार लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 1 2 और 3 कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट और देखते हैं सिंपल से। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, 2×2 मैट्रिक्स है, और उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट एडजॉइंट। ठीक है, याद रखना ये डिफरेंट है कोफैक्टर से, तो डायरेक्ट एडजॉइंट अगर निकालना है तो आप इनको तो इंटरचेंज कर दें, समझ रहे हैं, एंड इनमें माइनस अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा कि यहाँ आपने माइनस कर दिया, ये बकायदा पूरे ही इंटरचेंज हो गए, तो बस शॉर्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज कैसे होता है, क्योंकि कोफैक्टर एक चीज़ है, माइनर एक चीज़ है, एडजॉइंट एक चीज़ है, तो एडजॉइंट सबसे हाई वाली चीज़ है, माइनर सिर्फ इंटरचेंज हुए, कोफैक्टर में आपने साइन भी लगा दिया और एडजॉइंट में आपने ट्रांसपोज भी कर दिया कोफैक्टर का। तो हम अगर एडजॉइंट निकालें, जो कि हमको इनवर्स के लिए यूज भी होगा आगे, तो हमको डायरेक्ट याद रखना है 2×2 का। ठीक है, कि अगर ए बी सी डी, मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसने इसको आपने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आपने माइनस साइन कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज मेन डायगनल जो था, मेन डायगनल, ठीक है, मेन डायगनल को आपने इंटरचेंज किया है।
ठीक है। तो ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट है लेकिन बता देता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जैसे एक ए एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो वो जीरो आएगा, नॉन सिंगुलर का जीरो नहीं आएगा। तो सिंगुलर का मतलब कि जीरो, ठीक है, सिंपल सा इतना सा है, सिंगुलर का मतलब कि डिटर्मिनेंट आपका जीरो होगा, ठीक है। एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं प्रॉपर्टी की, अगर एडजॉइंट हम निकाल लें किसी डिटर्मिनेंट का, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप क्या करते हैं, ये ऑन क्या है हमारा, सबको पता है ऑर्डर है, तो ऑर्डर जैसे अगर ऑर्डर थ्री का है तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के और स्क्वायर कर देंगे, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट, आपने दो बार अगर एडजॉइंट ले लिया तो क्या होगा, ये जो आपका ऑर्डर है वो रेड पेन से वो आपका टू टाइम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। ये एन माइनस टू हो गया, एन माइनस वन है, आपने थ्री टाइम किया अगर, सॉरी इसमें थोड़ा सा वो था, आप अगर सिर्फ एडजॉइंट लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है, तो आपका एन माइनस टू होगा। अगर आप एडजॉइंट लेने के बाद फिर से उसको आप क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, फाइनली फाइनल डिटर्मिनेंट है, तो आपका ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है और ये दोनों सेम चीज है, मतलब आपने एडजॉइंट ए का अगर एक बार डिटर्मिनेंट लिया तो एन माइनस वन, और एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन आपने दो बार अगर अंदर एडजॉइंट लिया है, ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा आराम से। अगर आपने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिया तो ए की डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, अगर आपने दूसरी बार एडजॉइंट ले लिया तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, तो ये आपका कितना हो गया, एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस वन का स्क्वायर हो गया, ओके okay। और ये अलग चीज है, यहां पर डिटर्मिनेंट आप नहीं ले रहे, सिर्फ एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट ले लेंगे तो एन माइनस टू,